राशन कार्ड बनाए जाने के नाम पर अवैध उगाही किए जाने का एक मामला सामने आया है। पूरा मामला औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड स्थित भरौंदा पंचायत से जुड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें राशन कार्ड जल्द बनवा लेने के लिए मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा सूचना दी गई थी, लेकिन इस सूचना के बाद जब कई ग्रामीण कार्ड बनवाने वहां पहुंचे तब मुखिया पति के द्वारा उनसे 250 रुपये की मांग की जाने लगी। जब कुछ ग्रामीणों ने पूछा कि आखिर किस बात के वे पैसे दें, तब उनके फॉर्म को जमा नहीं लेते हुए उन्हें वहां से भगा दिया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों को 3 महीने तक मुफ्त में राशन दिए जाने की घोषणा के बाद जब मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा ग्रामीणों को राशन कार्ड बनवाने की सूचना मिली तो गरीब तबके के वैसे लोग जो रोजाना कमाते खाते थे और इस कोरोना त्रासदी के दौरान काम बंद होने से जिनके सामने भोजन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जरूर दिखी थी। मगर जैसे ही वे राशन कार्ड बनवाने वहां पहुंचे और जब उनसे पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं दे पाने की वजह से जब उन्हें वहां से भगा दिया गया, तब उनके चेहरे पर उदासी छा गई। दिक्कत यही हो रहा सर, हम लोग गरीबी रेखा का आदमी है। सुनने में आया कि चावल दाल मिलने वाला है, मुखिया जी कल बोले आओ फार्म भरवा लो। हम लोग गए द्वार पे, वो 250 मांग रहे हैं, तब फार्म भराएगा। तो हम लोग तो 250 रुपये रहे सर हम लोग के पास, तो हम लोग चावल खरीद के खा लेंगे। हम लोग है नहीं तो कहाँ से दूंगा सर, बहुत आदमी से ले चुके हैं। समस्या यही है सर कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का राशन बताई सब कुछ नहीं मिलता है और हम लोग सब मांग रहे हैं 320 रुपया। क्या चीज का 320 रुपया मांग रहे हैं? राशन कार्ड बनाने के लिए सर। बहुत हमको परेशानी है, एक लड़का था वो भी गुजर गया। हम लोग गरीब परिवार है, मुखिया जी राशन नहीं दे रहा है, राशन का कार्ड बन रहा है तो बोलता है ना कि 300-300 रुपया आदमी पीछे लेते आइएगा तो बनाएंगे। हमको फार्म फाड़ के बिक दिया,